हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। आज किस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नए वाले टैग्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ये सब टैग्स, जो कि यहाँ पे कुछ टैग्स जो हम एक बार ट्राई करके देख रहे थे इस टैग्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको मैं जल्दी जल्दी हटा देता हूँ यहाँ से, और बाकी के टैग्स आप लोग आज देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एक मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि जो है जब हम लोग किसी वेबसाइट को बना रहे हैं जिसमें कोई शॉपिंग वाला मटेरियल है, तो वहाँ पे अपन लोग डिस्प्ले कराते हैं मार्क करके, अगर आप चाहें तो। तो यहाँ पे जो है उसके साथ अगर आप उसके बाजू में देखते होंगे कि ये वाला प्राइस अभी नहीं है, इसके बजाय आपको ये वाला प्राइस दिखाया जा रहा है, ऐसा टाइप का भी दिखाया जाता है कई जगह पे। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपये का है, और अगर वो आपको 500 रुपीज़ में मिल रहा है, तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ को काट के उसके बाजू में जो है 500 रुपीज़ लिखा होता है। तो उस चीज़ को आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो उस चीज़ को डिस्प्ले कराना भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये फुटर को हटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को फुटर का भी उतना कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पे जो डिव टैग है इसको भी साथ में हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अगर उस तरीके का चीज़ डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। तो पैराग्राफ बना लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो ऐसा अपन लोग लिख देते हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक सा वर्ड ले लेते हैं जिसको अपन लोगों को यहाँ पे कट कराना है। तो मान लीजिए मैंने सब्सक्राइब को यहाँ पे कट कराना है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब को कट कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक टैग जो कि होते हैं DEL टैग। तो इसका नाम सिंपली डिलीट भी बोल सकते हैं आप वहाँ पे, पर वो डिलीट नहीं करेगा उस चीज़ को, वहाँ पे कट कर देगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद जो है इस तरीके से आप इसको लिखने के बाद जो है इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है वेब पेज पर आपके, और यहाँ पर जो है इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो सब्सक्राइब था वो यहाँ पर कट होके दिखा रहा है। पहले जब आप लोग पेज को रिलोड करते थे, यहाँ पे जो है सब्सक्राइब जो है पूरा दिखता था, पर अभी जो है वो कट होके दिख रहा है। तो ये था एक DEL टैग। इसके बाद जो है एक और चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, जो कि है पैराग्राफ टैग से रिलेटेड है, फिर आप लोग उसको कोई और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है स्पेस देने के लिए सिंपली। अगर आप कोई चीज़ को यहाँ पर कितना भी बड़ा लिख दोगे इस चीज़ में, तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को इसका एक सेंटेंस जो है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोलूँ कोई सा भी सेंटेंस लिख देते हैं, हेलो दिस इज़ वर्ल्ड। तो ये लिख दिया पलों जैसे कि, और इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इसको कंट्रोल प्लस सी से मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और इसको जल्दी पेस्ट करते जाता हूँ। इसको जल्दी जल्दी पेस्ट करने के बाद जो है बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इतना सारा जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो इसको सेव कर देता हूँ मैं, और आपको एक बार दिखा देता हूँ वेब पेज में किस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो अपने मन से ही है, अपन लोग जहाँ पे इंटर दिए वहाँ पे जो है यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुए। जहाँ पर जो वेब पेज है उसका जो साइज़ है उसके हिसाब से ही ब्रेक हुआ है। तो अपन लोगों को ऐसा नहीं चाहिए कि अपन लोगों का वेब पेज में जो है कहीं पे से भी ब्रेक हो जाए। तो इस चीज़ को अपन लोग सबसे पहले यहाँ पर से क्लीन कर देते हैं। तो इसके लिए एक टैग होता है, वो टैग जो होता है वो होता है BR टैग। तो ये जो BR टैग होता है, इस टैग को आपको यूज़ करने के लिए जो है यहाँ पे कोई सा भी एक पैराग्राफ लिख लेना पड़ता है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ ही ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो आर्टिकल के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई दो टैग के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पैराग्राफ एक टैग ले लिया है, और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा सा टेक्स्ट ही बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर से ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं हेलो। अरे यार ये गलत चीज़ बार बार हो जाता है। तो यहाँ पे अपन लोग हेलो लिख देते हैं। इसके बाद जो है दिस इज़ टेक नॉलेज, इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद मान लो आप लोगों को टेक नॉलेज को जो है नीचे डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिख देना है, BR। BR मतलब होता है ब्रेक। तो यहाँ पे BR का मतलब ब्रेक होता है। इसके बाद जो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप जहाँ पे भी BR लिख देंगे वहाँ पर से जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, और वापस हमारे वेब पेज पे चलते हैं, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं हेलो दिस इज़ तो ऊपर लिखा है, इसके बाद जो टैग नॉलेज लिखा हुआ है वो जो है नीचे लिखा गया है, क्योंकि अपन लोगों ने वहाँ पर ब्रेक लिख दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार BR टैग को हटा के दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। तो एक बार जाते हैं वापस से वेब पेज पर, और यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वो वापस से ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है कोई
टैग के बीच में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अपन लोगों को इन दो टैग्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है बी आर, इसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। इसके बाद वापस से वेब पेज में आप जाके अगर रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बीच में एक लाइन का स्पेस और बढ़ चुका है। इस तरीके से आप जितने बार बी आर टैग को लिखेंगे उतने बार जो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार और लिख के देख लेते हैं, इसके बाद वापस से चलते हैं वेब पेज पर और यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक और बार स्पेस क्रिएट हो चुका है। तो इसको आप स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आप इसको कहीं पे भी लिख के स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो होता है बटन टैग। तो आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा कि एक बटन लगा होता है, उस बटन को प्रेस करेंगे आप जो अपना डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कोई गेम होता है तो गेम खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बटन जो होते हैं उसमें नेविगेशन लिंक लगे रहता है, जैसे कि एंकर टैग है उसी को उसके अंदर फिट कर दिया जाता है, या फिर और भी कोई से प्रोसीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो अपनों को बटन अगर लगाना है तो उसके लिए सिंपल, कोई ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल सा बटन टैग आपको लिख देना है। तो सिंपल बटन लिख दीजिए आप यहाँ पे, इसके बाद इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद जो है सॉरी, इसका शायद क्लोजिंग टैग होता ही नहीं, तो मेरे को याद नहीं आ रहा, हाँ होता है इसका क्लोजिंग टैग, क्योंकि इसके अंदर अपने को उसका नाम भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बटन टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग भी होता है, जो कि यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया, और इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं, इसको वापस से ऊपर लिख देते हैं क्योंकि अपन लोगों को इसके बीच में इसका नाम लिखना है। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया है। अब इसको कंट्रोल प्लस एस दबा के अपन लोग अपने वेब पेज पे व्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है। तो इसको प्रेस करने से अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग ने कुछ भी अंदर में लिंक विंक नहीं डाला है। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने को कोई लिंक डालना है, तो लिंक डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बटन के अंदर जैसे कि नेविगेशन के अंदर अपने एंकर टैग दिया है, उसी तरीके से बटन के अंदर भी एंकर टैग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंकर टैग दे देते हैं अपन लोग, इसके बाद जो इसको क्लोज भी कर देते हैं इस जगह पे, तो क्लोज भी हो चुका है। अब इसका एच रेफरेंस जो है उसको यहाँ पर से अपन लोग google.com का जो एच रेफरेंस है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार गूगल खोल लेता हूँ, इसके बाद जो है हम लोग का गूगल का जो एच रेफरेंस है मतलब URL है उसको वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं google.com और google.com खुल जाएगा। तो google.com लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो है लोडिंग स्टार्ट हो चुका है। मेरा नेट चालू है कि नहीं, हाँ ओके, मेरा जो नेट था वो चालू था, और यहाँ पे जो google.com है वो लिख चुका है। तो आपको इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी दबा के। इसके बाद जो है वापस वहाँ पे चलते हैं और एंकर टैग का जो एच रेफरेंस का अंदर अपने को यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे इसको ऑल टैब दबा देते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको अपन लोग जैसे ही क्लिक करने वाले हैं तो इसको रीलोड कर लेते हैं सबसे पहले, और जैसे ही अपन लोग इसको देखिए यहाँ पे जो है ये ब्लू कलर का मार्क आ चुका है, तो इसको मैं बाद में हटाना भी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अपने आप अंडरलाइन आ जाता है वो आपको कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को अभी आप हटा सकते हैं, उसके लिए CSS लगेगा, तो CSS के पार्ट में मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे जो स्टार्ट के बटन पे आप लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप जो गूगल है वो ओपन हो चुका है, पर ये जो है अपने जो है उसी वेब पेज पे ओपन हो गया। तो मैं आपको एक और चीज़ बाद में बताऊंगा कि जो है एक वेब पेज को अपन लोग किस तरीके से दूसरे टैब में ओपन कर सकते हैं। मतलब एक टैब होता है जो जिसमें आप खुद वर्क करते रहते हैं, और दूसरा टैब जो अपने आप को क्रिएट करके बना सकते हैं। तो उसको अपन लोग बाद में देखेंगे, इसी वीडियो में देख सकते हैं अपन लोग उसको। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो फिगर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिगर के अंदर अपन लोग सिंपली इमेजेस डिस्प्ले कराते हैं, तो उस फिगर का जो फिगर कैप्शन है वो कैसे डालते हैं मैंने आपको बताया था कि उसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जो है यहाँ पे फिगर कैप्शन के बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे फिगर लिख लेते हैं सबसे पहले, और एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से फिगर लिख लेता हूँ, इसके बाद जो एक इमेज डिस्प्ले करा लेते हैं इसी वेब पेज पे। तो यहाँ पे फिगर मैंने लिख लिया, और यहाँ पे जो है IMG का टैग आपको देना पड़ेगा इमेज डिस्प्ले कराने के लिए। इसके बाद यहाँ पे SRC देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा, और जो आपके इमेज है उसका नाम और जो है उसका एक्सटेंशन दोनों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन के साथ उसका नाम मैंने लिख दिया, इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इमेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि जो है फिगर कैप्शन डालने के लिए यहाँ पे आपको फिग कैप्शन करके एक जो टैग होता है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए फिग कैप्शन,
तो यहाँ पे फिक कैप्शन लिखते ही जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको प्रिडिक्शन भी दिखा देता है, तो उसका यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिक कैप्शन मैंने लिख दिया एक बार, और फिक कैप्शन का जो क्लोजिंग टैग है वो अपने को लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये भी लिखा चुके हैं, और यहाँ पे इसके अंदर आपको जो भी कैप्शन डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रोड लिख देते हैं आप लोगों, क्योंकि वो रोड का पिक्चर था, तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक बार वेब पेज में जाकर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो इसका कैप्शन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, जो कि यहाँ पे इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जो है इमेज का एंड पॉइंट पे ये एंड हो जाएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का इमेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है करके, यहाँ पे जो है वेब पेज जो है ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये जो था फिगर कैप्शन का टैग था, इसके बारे में मैंने भी बता दिया आपको। इसके बाद जो है फिगर को हटा देते हैं, क्योंकि जो वेब पेज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इसके बाद आप लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो टारगेट है, मतलब जो टारगेट मतलब क्या होता है कि जो है अपन लोगों का वेब पेज जो है वो कहाँ पे ओपन होने वाला है, तो वो अगले वीडियो में अपन लोग देखेंगे। तो अभी के वीडियो में अपन लोग क्या देखने वाले हैं आगे देख लेते हैं। तो अपन लोग टैग्स देख लेते हैं और कौन कौन से टैग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिगर का कैप टैग दिख रहा है, और यहाँ पे एक एम्फेसाइज्ड टैग का टैग है। तो यहाँ पे ये वाला जो टैग होता है ये भी एक एम्फेसाइज्ड टैग, मतलब जैसे कि जो इटैलिक होता है उसी तरीके से ही शायद दिखता है। तो मैंने इसको एक बार यूज़ किया था, वैसे तो मैं ज़्यादातर इटैलिक को ही यूज़ करता हूँ, पर यहाँ पे एम्फेसाइज टैग को भी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ई एम आपको लिखना है, इसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है वो एम्फेसाइज्ड हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल एस दबा लेते हैं, वापस से चलते हैं वेब पेज की तरफ, और अपन लोगों ने इसको दिस के ऊपर लगाया था, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो इसको रीलोड कर लेते हैं, तो और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है आपका जो टैग है, मतलब आपका जो इम्फेसाइज टैग का जो टैग है वो यहाँ पे जो वर्क कर दिया, और यहाँ पे जो है ये इटैलिक के जैसा ही दिखता है। तो मेरे को इतना कुछ खास फ़र्क तो पता नहीं चला कि जो है इटैलिक और इम्फेसाइज टैग में डिफरेंस क्या होता है, पर यहाँ पे जो है वो डिफरेंस थोड़ा बहुत भी मेरे को उतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से टैग्स हैं। तो ये फॉर्म का टैग जो है वो बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे टैग्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको अपन लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं H1 to H6 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो टैग्स हैं वो हेडिंग से टैग हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको हेडिंग जो है वो बताना ही भूल गया था, क्योंकि उसको आप लोगों को शुरू में ही बता देना चाहिए था, पर मैं आपको भूल गया था बताना। तो यहाँ पे हेडिंग जो होता है वो H1 से शुरू होता है और जाता है H6 तक। तो जो H1 होता है वो सबसे बड़ा टैग होता है, मतलब सबसे बड़े फॉन्ट्स में लिखाया जाता है, और जो H6 होता है वहाँ तक जाते जाते वो छोटा होते जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको H1 बना के दिखा देता हूँ एक बार, और यहाँ पे H1 के अंदर आप लोग हेलो ही लिख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने H1 बना लिया यहाँ पे, और इसको आप बड़े छोटे कोई से भी लेटर्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसमें जो है छोटे बड़े करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं हेलो, तो हेलो लिख देते हैं जैसे ही, और इसको सेव कर लेते हैं, और इसको इसको डिस्प्ले होगा तो ये किस तरीके से डिस्प्ले होगा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना बड़े टेक्स्ट में यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो हेडिंग्स के टैग्स होते हैं उसको भी यहाँ पे बना लेना है। तो उसको बनाने के लिए इसको कॉपी कर लेता हूं, इसके बाद जो H1 की जगह H2 H3 H4 ऐसा डालते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी H1 के बाद H2 आने वाला है, फिर आने वाला है H3, तो ऐसा बहुत सारा बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे इसका जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ा सा कर देते हैं। तो यहाँ पे H2 होने वाला है, इसके बाद जो है यहाँ पे H3 होने वाला है, इसके बाद यहाँ पे जो है H4 होने वाला है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है इसके बाजू वाले में जो एंडिंग टैग है उसको भी आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, H1 लिखा हुआ है क्योंकि सबके ऊपर। और यहाँ पे जो है अपन लोग जल्दी जल्दी लिख देते हैं इसको H5, इसके बाद ये जो है H4 ये है, H3 ये है, यहाँ पे H3 लिखना चाहिए था अपने को, और यहाँ पे H2। तो ये जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं, ऑल्ट टैब जाते हैं वापस से, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सबसे बड़ा था H1, उसके बाद जो है H2 से छोटा है, इसके बाद H3 उससे भी छोटा है, H4 उससे भी छोटा है, H5 उससे भी छोटा है, और यहाँ पे H6 जो है सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस पे। तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा टाइप का इफेक्ट भी ला देता है कई कई बार, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट टैग्स अपन लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।